को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, टेक्सटाइल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, आईटी पार्क, आईआईटी, आईएम, आईएम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। गरीब कल्याण करने की योजनाएं बन रही है। देश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी उनके जीवन को बचाने के लिए। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का काम किया। और भाइयों बहनों, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के लोगों को दिया। 45 करोड़ लोगों के जनधन, गरीबों के जनधन अकाउंट खोले। और यही नहीं, 15 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट के साथ स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया के साथ जोड़ने का काम भी किया। 12 करोड़ गरीबों के घर में टॉयलेट दिए गए। 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के एलपीजी के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 4 करोड़ गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। हर घर नल की योजना आज कार्य रूप ले रही है। ये है डबल इंजन की बीजेपी की सरकार। लेकिन कांग्रेस का ये फेल्ड इंजन रिवर्स गियर में चलता था। ये आगे नहीं, ये पीछे दौड़ता था। ये विकास नहीं, ये तुष्टीकरण करता था। ये प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद को गाली देते हैं और आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं। ये तो कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने लोकतंत्र को बंधक बनाने का प्रयास किया, अपनी बपौती समझने का प्रयास किया। लेकिन लोकतंत्र किसी का वो नहीं है। लोकतंत्र के मालिक तो हमारे जनता जनार्दन है, आम जनमानस है, भारत की जनता है। लोकतंत्र में भारत की जनता को कोई जबरन शासित नहीं कर सकता है। और इसीलिए जो उनके हितों के लिए कार्य करेगा, उनके सम्मान की रक्षा करेगा, उनकी आस्था का सम्मान करेगा, ये जनता जनार्दन उनके साथ में रहेगी। भैया बहनों, भारत के विकास की जो यात्रा आगे बढ़ रही है, इसमें कर्नाटका ने भी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। यहां के युवाओं ने कर्नाटका को आईटी स्किल के एक हब के रूप में विकसित किया है। वैश्विक बाजार में जब चर्चा होती है, भारत के आईटी सेक्टर की चर्चा होती है, तो बेंगलुरु का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में यहां की माताओं ने, बहनों ने, यहां के अन्नदाता किसानों ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, आज मैं कह सकता हूं हमारा अन्नदाता किसान सिर झुका के नहीं चल सकता है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि उसके साथ में है और किसान सम्मान निधि ने हर किसान को, हर अन्नदाता किसान को सम्मान के साथ चलने के लिए एक अवसर दिया है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे यही कहने के लिए, एक और ये डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है, आपके विरासत का सम्मान कर रही है, आपको सुरक्षा दे रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, भारत कोई आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस है। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, लोग मुझसे पूछते हैं
कि उत्तर प्रदेश में आखिर भाजपा की गवर्नमेंट आने के बाद आज वहां पे जनता का इतना समर्थन कैसे मिल रहा है। मैं कहता हूं ये प्रधानमंत्री मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व का मार्गदर्शन है। और भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत भी है। डबल डोज डेवलपमेंट का, डबल स्पीड गरीब कल्याणकारी योजनाओं का। और उत्तर प्रदेश में अब माफिया और अपराधी नहीं है। डबल इंजन की सरकार में कोई माफिया, कोई अपराधी और कोई आतंकी सीमा तान करके नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। सीना तान करके चलेगा तो भारत का युवा चलेगा, भारत का किसान चलेगा, भारत का व्यापारी चलेगा, भारत की हमारी माताएं बहनें चलेंगी। कोई भारत विरोधी तत्व सीना तान करके नहीं चल सकता डबल इंजन सरकार में।